हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने ही चैनल जिसका नाम है NSTG काइटलर। तो आज दोस्तों हवा थोड़ी कम चल रही थी, तो मैंने सोचा कि अपनी पतंगों में क्यों ना धूप ही लगा दी जाए, क्योंकि तो दोस्तों धूप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे पतंगों के कांप ठट्टे कई साल तक चल जाते हैं और पतंगें रखी भी रहती हैं, सही भी रहती हैं, वरना कीड़े वीड़े लग जाते हैं, कांपों में दीमक वीमक लग जाती है, उस वजह से पतंगें ख़राब हो सकती हैं, कांप ठट्टे चटक सकते हैं, टूट सकते हैं, पतंगें बर्बाद हो जाएंगी। इतनी महंगी महंगी पतंगें हैं दोस्तों, अब ऐसे तो ख़राब करते नहीं हम, पेज में लड़ा के भले ही कटवा दें लेकिन ऐसे ख़राब नहीं करते। तो दोस्तों मैंने सोचा धूप लगा दें, आधे घंटे की धूप इस पतंग को लग चुकी है। अब मैं दूसरा बैग लाया था, मैंने वो बिछाया था, मैंने कहा थोड़ा शूट भी कर लिया जाए। देख सकते हैं दोस्तों ये कुछ पतंग ऐसे मैंने बिछा दी, इस वजह से ना धूप लग रही है। दोस्तों हवा थी नहीं, अचानक से देखिए हवा आ गई है, वही दोस्तों 1 बजे का टाइम होने तो होते हवा खुलने लगती है। तो ये सब पतंगें मैंने ऐसे करके बिछा रखी हैं, काफ़ी ब्रांडेड पतंगें हैं दोस्तों। ये हमारा बैग रहा, इसे भी हम धूप में रख देंगे अभी, जिससे इसके अंदर की पतंगें भी सही रहें, क्योंकि दोस्तों छत पे ज़्यादा पतंगें तो बिछा नहीं सकते, अचानक से हवा चलेगी तो उड़ जाएंगी सारी पतंगें। तो मैं आपको दोस्तों फिर पतंगें दिखा दूँगा अपनी थोड़ी सी। वैसे धूप तो इन पतंगों को लग चुकी है, मैं साइड कर देता हूँ। कितनी पतंगें दोस्ती है, आप जो पतंगों के दोस्तों सुत्तल बंधे हुए हैं, ये वो पतंगें हैं दोस्तों जिन पतंगों से पेच काट काट के पतंगें उतर जाती हैं, मैदान से भी और छत से भी। आखिरी में जो पतंगें उतर जाती हैं पेच काट के, जैसे 5-6 पेच काट के जो पतंगें उतर उतर जाती हैं, तो हम उन पर लिख के रख देते हैं कि इस पतंग ने इतने पेच काटे हैं, फिर वो पतंग फिर कभी उड़ती है। जैसे कि दोस्तों एक ये पतंग है, इस पतंग ने 5 पेच काट रखे हैं, ये पौना है, फंस के इस पतंग ने 5 पेच काटे थे, 1200 गज पेच से 5 पेच लड़े थे मैदान में, और इस पतंग से 5 पेच काटे थे। और ये पतंग फ्रेंड्स आपको पता ही होगा मेरी होममेड काइट है जो मैंने अपने हाथों से बनाई थी, इस पतंग ने भी 3 पेच काट रखे हैं रेंज पे, क्योंकि ये इसी का फर्मा है, मैंने इसी पतंग से फर्मा काटा था और उस फर्मे से मैंने ये पतंग बनाई है। तभी दोस्तों ये पतंग एक जैसी है दोनों, ये देखिए कोई दोनों पतंगों में फ़र्क नहीं है। फिर ये दोस्तों ये कन्हैया लाल की पतंगें भी रखी हैं हम पे, थोड़ी सी थोड़े से काले भी रखे हैं, थोड़े से ये परीदार भी रखे हैं, और घुटाई देख सकते हैं दोस्तों इस पे आप, बहुत बढ़िया बढ़िया शानदार शानदार पतंगें हैं काफ़ी। थोड़ी पतंगें दामोदर चचा की भी रखी थी हम पे, थोड़े ये मुड्डेदार भी रखे हैं दोस्तों हम पे। और ये इस पतंग से भी दोस्तों हमने पेच लड़ाया था और मैदान से इस पतंग से भी पेच काटे थे, और आखिरी में उतारी थी तो इसकी किल्लियाँ उड़ गई थी, तो हमने इसकी किल्लियाँ चिपका दी। बेसिकली ये लूटी हुई पतंग है, हमने लड़ा दी थी, अच्छी है पौनी पतंग है, और उस पर दोस्तों हमने लिख भी दिया और अपना साइन भी मार दिया, 2 पेच काटे हैं ये देखिए दोस्तों। और फिर थोड़ी सी नीली पतंगें भी हैं, और ये एक और मांगदार है दोस्तों, और ये थोड़े से काली पतंगें रखी थी हम पे गोल डमरू, और ये दोस्तों एक मांगदार पतंग भी है हम पे। इससे दोस्तों कल ही मैंने, कल एक गेम हुआ था हमारा, वीडियो डली होगी, लॉयन काइट क्लब से हमारा गेम लड़ा था कल, तो उसमें दोस्तों इस पतंग से मैंने आखिरी में 2 पेच काट के पतंग टिकट बराबर कर लिए थे, तो ये वो 2 पेच काटी हुई पतंग देख सकते हैं दोस्तों, नासिर अख्तर जी की पतंग है ये देखिए। बाकी थोड़ी पार्टदार पतंगें पड़ी हैं, थोड़ी नीली काली पतंगें हैं, ये देखिए दोस्तों इस पतंग से भी मैंने 1 पेच काटा हुआ है, बहुत बढ़िया पतंग है, लंबे फर्मे की, जादू काइट मेकर की पतंग है। ये रहा इनका मोबाइल नंबर, देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसे पोज करके आप। तो यही था दोस्तों आज का छोटा सा एक वीडियो, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेशन में आके ज़रूर बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा अगला टॉपिक पे किस टॉपिक पे बनानी है वीडियो, और बेल आइकन को भी प्रेस करिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।